हेलो गाइस, माय नेम इज़ साक्षी पठानिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दैट इज़ अ टॉपिक ऑफ एसेंशियल बायोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूक्लियस, सॉरी सेल वॉल। सेल वॉल इज अ रिजिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारे आउटसाइड द प्लांट्स, फंगस एंड प्रोकैरियोट्स। ये हमारे सेल को बचाती है फ्रॉम द आउटर वेरिएशंस विच आर कॉज्ड इन द एनवायरनमेंट। हमारा सेल वॉल किससे बना होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, फंगल सेलुलोज एंड जाइटिन इन फंगस, ठीक है। उसके बाद अगर दो सेल्स को एक मिडल लैमेला नाम का सीमेंटिंग लेयर डिफरेंशिएट करती है, अगर हमारे दो सेल्स हैं तो वो बाइंड करते हैं थ्रू दिस मिडल लेयर, दैट इज सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडल लैमेला। उसके बाद सेल वॉल प्रोसेस करती है छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स विच अलो इज टू बी कनेक्टेड थ्रू दोज टू सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। अब व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल? इट प्रोवाइड्स द शेप टू सेल। हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करना, ताकि वो चाहे वो स्क्वायर में हो, क्यूबॉइडल में हो, जिस भी शेप में हो, उसको सेल वॉल ही शेप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये प्लांट्स को, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। ग्रोथ ऑफ द सेल, जितना ज़्यादा ग्रो हमारी सेल वॉल करेगी उतना ज़्यादा हमारा सेल ग्रो कर पाएगा। उसके बाद एंडोस्मोसिस की बर्स्टिंग से सेव करती है। एंडोस्मोसिस आपको मैंने ऑलरेडी ऑस्मोसिस वाले में बता चुकी हूँ कि जब हमारे बाहर के एनवायरमेंट से अंदर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एंटर करती है तो दैट इज़ अ एंडोस्मोसिस, तो उसके दौरान बर्स्टिंग से बचाती है ये हमारे सेल को, सेल वॉल। उसके बाद आउटर वेरिएशंस जो भी एनवायरमेंट में हो रही है उससे हमारे सेल को प्रिजर्व करती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर सेल वॉल? एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल वॉल होती है सिर्फ प्लांट्स में, ठीक है, बट हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। सेल वॉल लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल वॉल प्लांट सेल के आउटसाइड होती है, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के आउटसाइड होती है लेकिन प्लांट सेल के इनसाइड। अब इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, तो आउटर अगर सेल वॉल है तो उसके इनसाइड ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, लेकिन एनिमल सेल में हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए आउटर में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगी, उसके आउटर वॉल्स कुछ भी नहीं होगा एनिमल सेल में। सेल वॉल रिजिड होती है, थिक होती है, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है एंड थिन होती है। सेल वॉल इज परमिएबल, इट कैन अलो एनीथिंग टू इनसाइड इन द सेल, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर चीज को एंटर करने नहीं देती। सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पेक्टिन, वेयर एज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स विद स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, वेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड सेलुलर कंट्रोल को होल्ड करती है और कंट्रोल ऑफ पैसेज मटीरियल्स, मतलब कौन सा मटीरियल अलो करना है अंडर एंटर करने के लिए, क्या जो भी ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस इज द सेल ब्रेन, लाइक वी आर हैविंग सीपीयू फॉर कंप्यूटर टू प्रोसेस ऑल द फंक्शन इन आवर सेल। न्यूक्लियस इज द सेल ब्रेन, जो कि हमारे सारे जो अंदर के कंपोनेंट्स के काम। ये एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है जो कंटेन करती है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन मतलब डीएनए कंटेन करती है, डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम। अब इसका मतलब क्या है? हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करना, उसका मतलब क्या है? अब अगर कोई भी करेक्टर है जो मदर में है, वो डीएनए के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होता है। तो लाइक दिस इट कंटेन्स द हेरिडिटरी मटीरियल विच पास फ्रॉम द मदर टू इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये वो कंटेन करती है जो एक ट्रांसफर से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजीशन। ये कहाँ पे लाई करती है? बिल्कुल मीडियम में, सेंट्रल पोजीशन में। इन मेच्योर प्लांट सेल्स इट लाई टूवर्ड्स पेरीफेरी। प्लांट सेल्स में ये पेरीफेरी के टूवर्ड्स लाई करती है, मतलब बिल्कुल एक कोने में। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है। इस प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। हमारे सेल्स जैसे आरबीसीज या सीव एलिमेंट्स ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूक्लियस लैक करता है। सेल विदाउट न्यूक्लियस कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता वो सेल ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज अ नर्वस सिस्टम ऑफ अ सेल, और अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, बट समटाइम इट कंटेन नंबर ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लियेट।
व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स, न्यूक्लियर एनवेलप उसकी आउटर कवरिंग, न्यूक्लियर पोर्स जो उसको एक्सचेंज अलो करती हैं साइटोप्लाज्म से, न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज अ साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियोलस विच इज अ न्यूक्लियस ऑफ आर न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियोलस राउंड स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है, एंड इट कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन. The nucleus which contains a double membrane, it contains an outer covering and it contains an inner covering. इसमें outer covering भी है, इसमें inner covering भी है, इसमें nucleus है जो nucleus plasm है जो कि cytoplasm होता है हमारे nucleus का. This is nucleolus which contains RNA and protein. So this is the structure of nucleus. So next is the difference between nucleus and nucleolus. Nucleus मतलब जिसमें whole eukaryotic material जो है genetic material इसमें होता है. Nucleolus is a component of nucleus. It is covered by two membrane. It is without any covering. It controls the structure and working of cell. ये structure और working of हमारे cell को control करता है. It synthesizes ribosomal units. Chromosomes क्या होते हैं? Chromosome which is made up of DNA and protein. ये हमारा thread-like structure होता है जो कि हमारे chromatin material से बना होता है. Chromatin material during cell division divide करते हैं. ये हमारी body में 46 number पड़े होते हैं, 23 pairs and 46 in number. Chromosome consists of two similar threads like chromatids. ये दोनों sister chromatids हैं, same. Two chromatids are attached to center by a centromere. This is centromere. On either side of centromere, chromatids are called arms. इनको arms भी कहा जाता है. तो व्हाट आर क्रोमोसोम? क्रोमोसोम्स आर अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर फॉर्मड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग सेल डिविजन्स आर कॉल्ड क्रोमोसोम, एंड दीज आर हेरिडिटरी व्हीकल्स. तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हेरिडिटरी मटेरियल को ट्रांसफर करना क्रोमोसोम का काम होता है. क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? हर स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर फिक्स्ड होते हैं. होमोलोगस पेयर में ये कंटेन होते हैं. होमोलोगस पेयर मतलब इन ईच पेयर वन क्रोमोसोम बिलोंग्स टू फादर पेरेंट वाइल अदर बिलोंग्स टू मदर पेरेंट. मतलब अगर हमारे में दो पेयर हैं, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया कि अगर ये पेयर है तो वन बिलोंग्स टू मदर एंड अनदर बिलोंग्स टू फादर. एंड इन हर ह्यूमन बींग में 46 क्रोमोसोम होते हैं नंबर में, बट पेयर में 23 होते हैं. ठीक है, रोल ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इट फंक्शंस कंट्रोल सेंटर होता है ये हमारे सेल का, एंड कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म और सेल एक्टिविटीज को. राइबोसोम फॉर्म होते हैं न्यूक्लियोलस में. न्यूक्लियस ब्रिंग अ सेल डिफरेंशिएशन विद द सेल अटेन्स अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन. अगर हमारे न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं होगी तो हमारा सेल भी डिवाइड नहीं करेगा. रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम इट कॉज चेंजेस इन द वेरिएशन. मतलब अगर किसी भी बंदे में कोई भी टाइप का चेंज आता है तो वो बिकॉज ऑफ रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम आता है. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं? अब ये मेजरली डिफरेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस. हमारे प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती. इट लैक अ सेल न्यूक्लियस एज वेल एज इट लैक द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ठीक है, बट हमारे यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनेल्स मौजूद होती है अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. Prokaryotes do not have a nucleus that houses its genetic material. Prokaryote cell में large DNA molecule होता है. आप देख सकते हो structure में हमारे पास prokaryote cell है और इसमें large DNA molecule है जो ऐसे ही without any membrane bound पड़ा हुआ है. इसमें fimbriae होते हैं for the mobility. उसके बाद न्यूक्लियर रीजन इज प्रोटेक्टेड इन केस पे द सेल वॉल. ये सेल वॉल से प्रोटेक्टेड जरूर है लेकिन वेल मैनर्ड या ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, ये ऐसे ही मौजूद है. Now what is the difference between prokaryotes and eukaryotes? Prokaryotes are smaller in the size and eukaryotes are larger. Of course they have multiple cell organelles inside it, so they are larger in size. So organized nucleus absent hota hai prokaryotes mein, whereas isme present hota hai. Single DNA molecule is suspended in cytoplasm. Isme achhi tarah se enveloped nuclear way mein सारा कुछ बाउंडेड बड़ा होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती हैं. टिपिकल वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट. माइटोसिस इज एब्सेंट, माइटोसिस इज प्रेजेंट. इट्स एग्जांपल इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. इट्स एग्जांपल इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. हमारी सेकेंड प्रेजेंटेशन भी डन हो चुकी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट इन लेटर प्रेजेंटेशन. थैंक यू सो मच गाइज. इफ यू हैविंग एनी क्वेरी यू कैन आस्क.